अरे भाई, इतने गौर से किसको देखा जा रहा है? अरे यार, किसको देखना है, बस एक वाकया याद आ गया, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। तो क्या हुआ यार, लॉकडाउन चल रहा है, कौन सा कहीं जाना है? बात तो तुम्हारी भी ठीक है, तो फिर जनाब देर किस बात की है? चलो यार, आज मैं ही कुछ सुना देता हूँ तुम्हें। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। वाकया कुछ ऐसे है कि कुछ अरसा कबल एक बदमाश हुआ करता था। क्यों, अब अल्लाह को प्यारा हो गया क्या? अरे नहीं नहीं यार, वो अब एक अच्छा इंसान बन गया। वो कैसे? एक दफ़ा एक मछेरे ने बहुत बड़ी मछली पकड़ी, तो बदमाश ने उसको देख लिया तो पहुंच गया उसके पास और कहने लगा ये तो मछली मैं रखूँगा, और ज़बरदस्ती उसे ले ली। अब मछेरे ने उसे बहुत कहा, मिन्नत समाजत की कि साहब आज कुछ अच्छा कमा लूँगा, बच्चों का पेट पाल लूँगा, लेकिन उसको ज़रा रहम नहीं आया। बदमाश जो था, अब चूँकि मछली बहुत बड़ी थी और पानी से भी निकली थी, तो बदमाश जो था मछली लेके जा रहा था कि रास्ते में मछली ने उसके अंगूठे पे काट लिए। ओ खैर, फिर क्या था, बदमाश ज़ख्मी हो गया और ज़ख्मी अंगूठे के साथ डॉक्टर के पास चला गया, और आगे डॉक्टर ने पता क्या किया, उसका अंगूठा काट दिया। अरे क्यों? अरे तकलीफ़ ही इतनी थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया, और ये तकलीफ़ का सिलसिला फिर ख़त्म ही ना हुआ। हाँ, तो फिर कब हुआ? अब डॉक्टर ने अंगूठा तो काट दिया, लेकिन उस बेचारे की तकलीफ़ फिर भी बढ़ती चली गई। फिर आखिरकार डॉक्टर ने उसका हाथ भी काट दिया। उफ़ अल्लाह, फिर क्या किया उसने? वो बदमाश बेचारा इतना बेचैन हो गया कि सुकून की तलाश में कभी किसी डॉक्टर के पास जाता, कभी किसी के पास जाता, कभी किसी से मशवरा लेता, कभी किसी से मशवरा लेता। एक रोज़ उसको एक बुज़ुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि तुमने कभी किसी का नाहक माल तो नहीं खाया? तो बदमाश को फौरन याद आया कि उसने एक मछेरे के साथ नाइंसाफ़ी की थी। अरे भाई, वो तो ठीक है, लेकिन उसकी तकलीफ़ कैसे कम हुई? तकलीफ़ यूँ कम हुई कि बदमाश फौरन मछेरे की तलाश में निकल गया, मछेरे को तलाश किया और उससे माफ़ी मांगी, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक उससे सवाल भी किया। क्या सवाल किया तुमने? बदमाश ने मछेरे से सवाल किया कि जब मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की तो तुमने मेरे लिए कोई बदवा की? तो मछेरे ने जवाब दिया कि बदवा तो कोई ना की, मगर अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह, जिस तरह इसने अपनी ताकत दिखाई, इसे तू अपनी ताकत दिखाई। अच्छा, तो जनाब ये वजह बनी उसकी तकलीफ़ की? जी हाँ, बिल्कुल यही वजह बनी थी, और अल्लाह ताला ने भी सूरत निसा में आयत नंबर 29 में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا। अज़ीज़ दोस्तों, इंसान अपने बारे में बखूबी जानता है, और बाज़ औक़ात इंसान ऐसी बहुत सी गलतियाँ कर गुज़रता है। ऐसी गलतियों का एहसास हो जाने पर माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, वरना अल्लाह ताला दुनिया में नहीं तो आखरत में अपनी ताकत ज़रूर दिखाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।